अब जो आप बात कर रहे थे टीम जोनाथन की स्क्वाड अचानक से बहुत अच्छा खेलती है और बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो देखते हैं कि कितना ऊपर तक वो जा सकते हैं जब ओवरऑल आएगी बट फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर मैच की बात करें तो लॉल्स की स्क्वाड तो

मॉडल की टीम ने भी इस मैच में परफॉर्म करा था जिसमें वो लोग फिनिशेस निकाल पाए थे वो अपने रोटेशन के वक्त में तो वो इंस्टेंट आ, आ, मतलब उनका टीम फिनिश हो गई थी लेकिन इसमें थोड़ा सा उनको टाइम मिला तो जिसमें वो चार फिनिश निकाल के बारहवें स्थान पे आठ पॉइंट के साथ है, टीम पाँच के साथ आठ पॉइंट और टीम नोवा छह फिनिशे के साथ दस पॉइंट पे केतन बिल्कुल और टॉप पे हमारे यही टीम आईएनडी की इन एंड ऑल एक खासियत रहती है कि अगर फर्स्ट वाले मैच में अगर वो लोग थर्ड फोर्थ रहेंगे तो सेकंड वाले मैच में अगर वो लोग अच्छा खासा उससे भी थोड़ा परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलता है थर्टी एट ओवरऑल सोलह फिश का टीम कनिका के उनसे ज्यादा है बट प्लेसमेंट पॉइंट्स में टीम आई को बीट कर पाना

टाइ अभी चल रहा है सो so, कल हम लोगों को इसका टाइम ब्रेकर देखने को मिलेगा वाडिया या एंड उनका स्क्वाड 17 ओवरऑल पॉइंट्स सिर्फ सिर्फ दो पॉइंट्स इन लोगों ने प्लेसमेंट पॉइंट से निकाले हैं और बाकी पंद्रह सिर्फ किल्स से और कैस्ट्रो की बात करें तो उन्होंने प्लेसमेंट तो निकाले ही नहीं उनके सारे के सारे पॉइंट केवल फिनिशर्स से ही है 10 फिनिश पॉइंट उन्होंने निकाले हैं